देखिए, जो गरीब लोग थे और उनको समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी और अभाव में अपनी चिकित्सा ना करवाने की वजह से ऐसे करोड़ों लोग जो है ना हर साल असमय जो है ना मृत्यु का ग्रास हो जाते थे। तो ऐसे लोगों की चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है, निश्चित रूप में ये गरीबों के लिए जो है ना मील का पत्थर साबित होगी और विशेषकर उन लोगों का जिनको अपना इलाज कराने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी, साधन नहीं होते थे, अभावग्रस्त लोग होते थे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते थे। तो ऐसे उन सभी लोगों को ये इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा जो है वो मिलने वाली है स्कीम के, इस योजना के तहत। और हरियाणा के अंदर लगभग 15 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उसमें लगभग 75 से 80 लाख बेनिफिशरी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और ये हरियाणा के अंदर शुरुआत में हमने 22 जिलों में इस योजना का शुरुआत की थी, सभी एक एक जगह एक एक हॉस्पिटल में हमने इस योजना की शुरुआत की थी। अब हमने पूरे हरियाणा में इसको बढ़ा करके 122 हॉस्पिटल में इस योजना का जो है ना शुभारम्भ किया है और हरियाणा के अंदर 9 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें सीटी स्कैन और 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें एमआरआई की सुविधा भी जो है ना लोगों को मिलेगी। तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो गरीब लोग थे, जो एससीसीसी का जो 2011 का हमारा डाटा है उसके आधार पर जो लोग उस लिस्ट में लाभार्थी थे, उन सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और कुरुक्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 9,64,200 कुछ है और इसमें यहाँ के लोगों को जो है लगभग 63,600 जो 79 लोग हैं उनको इस योजना का जो है लाभ मिल रहा है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वह 50,212 और शहरी क्षेत्र के 19,355 लोग हैं जिनको जो है ना 69,567 लोगों को है ना इस योजना का लाभ मिलेगा। और जो कुरुक्षेत्र में 17 हॉस्पिटल हैं जिनमें जिनको इस योजना के तहत रखा गया है, उसमें से 4 सरकारी हैं, 13 हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनमें लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। और अभी तक जो है ना 6 लोग जो है इस योजना के अंतर्गत जो है ना कवर किए गए, 3 लोगों को जो है ना इसका बेनिफिट भी मिल चुका है। और जब ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी तो पूरे भारत में जो सबसे पहली बेनिफिशरी है वो करनाल की और इंद्री हल्के की घिसरपड़ी गांव की जो है ना एक छोटी बेटी जो 2 दिन की थी, करिश्मा जिसका नाम था, जिसकी माँ का नाम मौसमी है, तो उसको सबसे पहला जो है ना बेनिफिट इस योजना का जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई इस योजना का सबसे पहली लाभार्थी वो बेटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत रांची से की है। जी देखिए, किसी भी एक जगह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि झारखंड जो है वहाँ काफ़ी आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग काफ़ी रहते हैं और जहाँ इस प्रकार की जन सुविधा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो ऐसे प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुना। तो निश्चित रूप में जो आदिवासी क्षेत्र थे, जो झारखंड के अंदर जो गरीब लोग थे, उनको इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनको मोटिवेट करने के लिए इस योजना का जो है ना वहाँ से शुभारम्भ किया गया।